हाय एंड वेलकम टू दी गैन पार्ट टू। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने गैन यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के हवाले से स्टैटिस्टिकल जो कॉन्सेप्ट मौजूद है प्रोबेबिलिटी का, वो तमाम चीज़ें हमने जानी। इस सेशन के अंदर हम गैन की बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पर आने के बाद डायरेक्टली फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वो तमाम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट या प्रेजेंटेशन स्लाइड आपसे डिस्कस की जा रही होती है वो मेरे ब्लॉग पे फ्रीली अवेलेबल है। अब फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे ब्लॉग पर आके वो फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियसली ये सेशन पे भी डिस्कस किया ब्रीफ डेफिनेशन पे कि एक जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यानी गैन एक मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है जो कि आयन गुडफेलो और उनकी टीम्स ने 2014 में इन्वेंट किया। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेस्ट मौजूद हैं जो एज़ लाइक गेम थ्योरी काम कर रहे होते हैं, और जहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गिवन अ ट्रेनिंग सेट दिस टेक्निक्स लर्न टू जनरेट न्यू डेटा विद द सेम स्टैटिस्टिक्स एज द ट्रेनिंग सेट। यानी इसके ज़रिए से जो ट्रेनिंग डेटा होगा वो उससे लर्न करेगा और लर्न करने के बाद ऐसे डेटा को जनरेट करेगा जो उसकी ट्रेनिंग सेट के स्टैट से बिलोंग करती होगी। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात करूं कि हम गैन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे होते हैं, तो अगर एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क की बात की जाए तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने देखा कि हम या तो वहां पर रिग्रेशन या फिर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने गिवन डेटा सेट के ज़रिए से करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने यानी AI साइंटिस्ट ने इस चीज़ को मिस किया कि इस चीज़ पर काम करना शुरू किया कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क या मॉडल होना चाहिए जो खुद डेटा को जनरेट करे, जिसके लिए हम जनरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का। तो उसी जनरेटिव मॉडल से रिलेटेड एक ये मॉडल है गैन, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि ये डिफरेंट फेक इमेजेस को क्रिएट करता है। और ये किस तरह से क्रिएट करता है और वो इमेजेस ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में मौजूद हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो समझ में आएगी। लेकिन गैन का मकसद वो इमेजेस क्रिएट करना है जो इस दुनिया में ऑलरेडी पहले कभी भी नहीं थी, लेकिन उसके बिहाइंड वो ट्रेनिंग मौजूद है जिस मकसद के लिए, जिस इनपुट के लिए वो फेक इमेजेस क्रिएट की जा रही होती है। तो बात करेंगे गैन की बेसिक कंपोनेंट की कि कौन से दो बेसिक कंपोनेंट हैं जिसके बेस पर गैन काम करता है, वो GND है। हेयर G स्टैंड फॉर जनरेटर एंड D स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेटर। तो जी की जिम्मेदारी विच मीन जनरेटर की ज़िम्मेदारी ये है कि ये इनपुट स्ट्रीम से या नॉइस से एक फेक इमेजेस को क्रिएट करेगी, और जो इमेजेस ये क्रिएट कर रही होगी डिस्क्रिमिनेटर इस बात का तयन करेगा या डिसाइड करेगा कि जो इमेज क्रिएट हो रही है वो रियल है या फेक है। इसको आसान करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डॉग की फेक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने जनरेटर को कुछ रैंडम नॉइस के ट्रेन करेंगे। रैंडम नॉइस से ट्रेन करने की वजह से ये कुछ इमेजेस प्रोड्यूस करेगा जो कि बिल्कुल एज लाइक पैटर्न होंगे स्टार्टिंग पर। उसके बाद हम उस इमेजेस को डिस्क्रिमिनेटर के ज़रिए से चेक करेंगे कि आइदर दिस जनरेटर इमेजेस डायरेक्टली बिलोंग टू डॉग और नॉट। ठीक है, तो ये काम इन दो कंपोनेंट की है जो यहाँ पर जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर करेगा। डिस्क्रिमिनेटर को हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी डिटेक्ट करके हमें ये बतानी है इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि जो गिवन इनपुट्स इमेज जनरेटर से आ रहे हैं वो इमेज है जिस चीज़ के मॉडल के बेस पर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। विच मीन जैसे मैंने डॉग की एग्जांपल दी, तो अगर वो डॉग है तो वो 1 रिटर्न करेगा, और अगर 0 है तो विच मीन अगर वो डॉग की इमेज नहीं है तो वो हमें 0 रिटर्न करके देगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर लिया कि जनरेटर में हमने सबसे पहले रैंडम नॉइस या ओनली नॉइस को हमने एज अ इनपुट दिया, और इसने कुछ इमेजेस जनरेट की जो यहाँ पर एज लाइक पैटर्न रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और उसके बाद हम इन इमेजेस को टेस्ट करेंगे जनरेटर के बाद डिस्क्रिमिनेटर से कि अगर ये इमेजेस उस फेक इमेज से बिलोंग कर रही है जिसके लिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वो डॉग की है तो यहाँ पर अगर वो डॉग की इमेज है तो वो 1 रिटर्न कर देगा हमें, और अगर वो डॉग की नहीं है तो वो हमें 0 रिटर्न कर देगा। ये इसका बेसिक इंटरनल वर्किंग है। मज़ीद आसान करते हैं, बेसिक इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास रैंडम वेरिएबल के लेटेंट है जिसको हमने नॉइस से रिप्रेजेंट किया, और ये जनरेटर में जाने के बाद कुछ सैम्पल इमेजेस क्रिएट कर रहा है एज लाइक दिस। ठीक है ना, जहाँ पर जो इमेजेस मौजूद थी बिल्कुल इसी तरह से इसने यहाँ पर क्रिएट किया। उसके बाद जो हमारे पास रियल इमेजेस थी डॉग्स की, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डॉग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं डॉग की इमेज को, या फिर आप किसी और तर्ज पर कोई इमेजेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास रियल इमेजेस भी होने चाहिए। तो उनमें से कुछ सैंपल आपने लिया, और इसी तरह से जो जनरेटर ने इमेजेस जनरेट की हैं उन दोनों को आप डिस्क्रिमिनेटर में डालेंगे, और अब डिस्क्रिमिनेटर की फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग होगी।
जिसके बेस पर ये हमें वो तमाम इमेजेस इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी बताएगा कि जो सैंपल्स हमारे पास रियल इमेजेस से आए हैं और इसी तरह जो हमारे पास जनरेटर के सैंपल से इमेजेस प्रोड्यूस हुई हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसके बेस पर हमारा लॉस फंक्शन यहाँ पर आएगा, और उसके बाद हमारे पास बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट आएगा जिसके ज़रिए से हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को मज़ीद ट्रेन करेंगे। तो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर के फॉर्म पर आपको ये तमाम चीज़ें बताई, अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। वाज़ेह है यहाँ जो स्टेप्स हैं वो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक सेपरेट अपक्स के लिए होंगी, यानी एक होल ट्रेनिंग के लिए होंगी। इट डजेंट मीन कि यहाँ पर जो स्टेप वन या टू या थ्री इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि कंप्लीट ट्रेनिंग इन स्टेप्स पर होगी। इसके लिए मल्टीपल स्टेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो गैन के ट्रेनिंग के दरमियान हमें इन टर्म ऑफ द अपक्स बताने होते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्री स्टेप्स बताने का मकसद ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर गैन के समझ में आ जाए कि एक्चुअली गैन में जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो स्टेप नंबर वन के अंदर सबसे पहले हमारे पास ए नॉइस, या फिर हम इसे कह सकते हैं रैंडम नॉइस, उसको हमने जनरेटर, यहां पर मैं जी लिख देता हूं, ठीक है, और इसी तरह से ये डिस्क्रिमिनेटर है, यहां पर हमने डी लिख दिया। वाज़ेह रहे जो जनरेटर है हमारा वो एक सिंपल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं CNN, और इसी तरह जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है वो डी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं DCNN, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है ये हम एट लास्ट जान जाएंगे कि डी कॉन्वोल्यूशनल और सिंपल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, वो एट लास्ट हमें बात समझ में आ जाएगी। तो नॉइस इनपुट दिया, जनरेटर ने कुछ पैटर्न इमेजेस क्रिएट की जो कि हमारे बिल्कुल सामने हैं। तो एट द स्टार्टिंग ये बिल्कुल ऐसी इमेजेस नहीं है जिस इमेज को हम क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि हम डॉग के फेक इमेजेस को क्रिएट करना चाह रहे थे, और तो ये कुछ पैटर्न क्रिएट हुए। वाज़ह रहे कि ना सिर्फ इस वक्त जनरेटर बल्कि डिस्क्रिमिनेटर बिल्कुल ट्रेन नहीं है, ये इस वक्त बिल्कुल हम स्क्रैच से काम शुरू कर रहे हैं, तो यही वजह है कि इसकी जो इमेजेस यहाँ पर रैंडम नॉइस से क्रिएट हुई है वो इस फॉर्मेट पे हुई है। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है जो रियल डॉग्स की हैं, उन रियल डॉग्स की इमेजेस में से हमने कुछ सैंपल्स लिए, ठीक है, सैंपल्स 5-10 कितने भी हो सकते हैं, वो आपके साइज़ ऑफ ट्रेनिंग सेट पर डिपेंड करता है, और इन दोनों डेटा को, यानी जो हमारे पास जनरेटर से जनरेट हुई हैं और इसी तरह जो हमने सैम्पल इमेजेस अपने रियल डेटा सेट से लिए हैं, इन दोनों को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे डिस्क्रिमिनेटर को दिया। डिस्क्रिमिनेटर भी इस वक्त बिल्कुल ट्रेन नहीं है, ये बिल्कुल स्क्रैच से है, तो जब फर्स्ट टाइम इन दोनों विच मीन 6 हम कह लें कि इनपुट इमेजेस इस डिस्क्रिमिनेटर में गई, तो इसने 6 फॉर्म पर प्रोबेबिलिटी हमें रिटर्न कर दी। इसने बताया कि 3 इमेजेस पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है डॉक्स ना होने की वो 0.8, 0.3, 0.5 है, और जो 3 इमेजेस हैं जिसमें डॉग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसमें इन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई है 0.1, 0.9, 0.2। हालांकि अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बात करें तो हमारे पास जो फेक इमेजेस हैं वो वहाँ पर 0 की जगह बिल्कुल 0 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और जो रियल इमेजेस हैं यहाँ पर 1 की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। लिहाजा इस चीज़ को मज़ीद ट्रेन करने के लिए इस वक्त हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिमिनेटर को बैक प्रोपेगेशन पर फॉर्म पर वापस लेके जाएंगे, और उसके बाद अपने इस डिस्क्रिमिनेटर को मज़ीद ट्रेन करेंगे, ठीक है। जिस तरह से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने इस डीप लर्निंग के सीरीज़ पे, इसी तरह से हमने बैक प्रोपेगेशन के हवाले से भी तफसीलन बात कर ली है। तो अगर आपको इन दोनों के हवाले से नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्लेलिस्ट पे जाकर इन दोनों को देखें, यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को और बैक प्रोपेगेशन को, ताकि आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से मज़ीद समझ में आए। तो जब ये बैक प्रोपेगेशन होगी तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो वेट्स मौजूद हैं वो अपडेट होंगे, और अपडेट होने की वजह से जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर लोअर आ रही हैं वो हाई होना शुरू हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट डेटा। तो जिस तरह से इस वक्त मैंने अपने डिस्क्रिमिनेटर को बैक प्रोपेगेट करके अपडेट किया, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं बैक प्रोपेगेट किसके लिए करूँगा, जनरेटर के लिए करूँगा, यानी अब मुझे जनरेटर को भी बैक प्रोपेगेट करके अपडेट करना है ताकि जो इमेजेस ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पर वो रियल के करीब होता जाए। लिहाजा इसके लिए हमने दोबारा रैंडम नॉइस की वैल्यू ली और उसके बाद अपने डिस्क्रिमिनेटर से उसको गुजारा, उसने मज़ीद इमेजेस क्रिएट की, और जब इसने मज़ीद इमेजेस क्रिएट की तो इस दफ़ा मैं मज़ीद दोबारा यहाँ पर सैम्पल इमेजेस नहीं लूँगा। इसकी वजह ये है यहाँ पर सैम्पल इमेज ना लेने की, क्योंकि वन टाइम हमने अपने डिस्क्रिमिनेटर को रियल एंड फेक इमेजेस से ना सिर्फ ट्रेन किया है बल्कि हमने बैक प्रोपेगेट करके उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर दिया है।
लिहाजा यही वजह है कि इस दफ़ा जब हमारे पास नए पैटर्न की कुछ इमेजेस आए और उसको हमने डिस्क्रिमिनेटर से जब गुजारा, तो इसने अब जो हमें प्रोबेबिलिटी दी है वो डॉग के रिस्पेक्ट से दी है। यानी अब वो हमें डॉग या नॉट डॉग की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहा है, बल्कि डिस्क्रिमिनेटर की जिम्मेदारी क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करे हमें कि जो गिवन इमेजेस आपको दी जा रही है वो रियल डॉग की है या नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट से वन यहाँ डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि जो इमेजेस आपने डिस्क्रिमिनेटर को दिए हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेटर, ये डॉग्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप वन है, इस वक्त हमारे पास ना सिर्फ इमेजेस जनरेटर की रियल के करीब है, बल्कि साथ ही साथ हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेटर है उसकी भी ट्रेनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि गैन के अंदर ना सिर्फ जनरेटर बल्कि डिस्क्रिमिनेटर दोनों की ट्रेनिंग एक साथ चल रही होती है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल कंपोनेंट होते हैं, एक साथ अपोजिट होते हैं। तो जिस तरह से जनरेटर की ट्रेनिंग चल रही होती है, उसी तरह से हमें डिस्क्रिमिनेटर को भी ट्रेन करना होता है, ताकि ये एक साथ ना सिर्फ इमेजेस को क्रिएट करें जनरेटर, तो साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेटर भी हमारा वेल ट्रेन हो, जो क्रिएट होने वाले जनरेटर की इमेजेस को आइडेंटिफाई कर सके कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल ये जीरो है या फिर वन है। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन पर हमने क्या किया, अपने बिल्कुल स्क्रैच से जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को इनिशियल ट्रेन किया और उसके बाद बैक प्रोपेगेट किया। लिहाजा फर्स्ट एपक या फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, तो सेकंड स्टेप का मतलब है सेकंड एपक या आइट्रेशन। अब जो कि हमारा ना सिर्फ जनरेटर ट्रेन हो चुका है बल्कि डिस्क्रिमिनेटर भी ट्रेन हो चुका है, और अब जब हमने इनपुट नॉइस या रैंडम नॉइस के जरिए से अपने जनरेटर को इनपुट दिया, तो अब जो इसने इमेजेस क्रिएट की हैं वो एज लाइक पैटर्न नहीं है बल्कि एज लाइक डॉग्स हैं, लेकिन इट्स नॉट अ कम्प्लीटली डॉग, क्योंकि इस वक्त हम अपने ट्रेनिंग स्टेज पर हैं, तो डॉग के हम नियर जाते जा रहे हैं। ठीक है, लिहाजा हमने स्टेप नंबर वन के स्टेप्स को ही यहाँ पर फुलफिल करते हुए आगे लेके जाएंगे कि हमने इनपुट स्ट्रीम से जनरेटर को जनरेट किया, उसमें इमेजेस क्रिएट की, फिर हमने दोबारा से एक और सैम्पल इमेजेस अपने ट्रेनिंग डेटा से ली, और उसके बाद अपने डिस्क्रिमिनेटर में उन इमेजेस को एज अ इनपुट दिया, और उसके बाद उनकी ओवरऑल हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पता चल रही है। तो प्रोबेबिलिटी में हमें 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट डॉग और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग को, तो 0.9, 0.4, 0.2 नॉट अ डॉग, और इसी तरह से 0.9, 0.3 एंड 0.7 इसने प्रोबेबिलिटी हमें डॉग की दी है। बिल्कुल वही स्टेप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इमेजेस हमारे पास डॉग नहीं है इनको हमें इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये नियर जीरो की तरफ जाएं, और इन प्रोबेबिलिटी को हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ये प्रोबेबिलिटी वन की तरफ जाए, क्योंकि ये रियल इमेजेस ऑफ डॉग हैं। लिहाजा यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्म पर क्यूमुलेटिव सम होगा इन तमाम का, और उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेटर के लिए बैक प्रोपेगेशन करेंगे, ताकि हम अपने मॉडल को मज़ीद इन्हेंस कर सकें इसके वेट को अपडेट करते हुए, और उसके बाद इन प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ अपडेट होगी। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेटर को अभी हमने यहाँ पर अपडेट किया बैक प्रोपेगेशन के ज़रिए से, बिल्कुल इसी तरह से अब हम बैक प्रोपेगेट करेंगे अपने जनरेटर को, ताकि हमारी जो इमेजेस क्रिएट हो रही हैं वो मज़ीद एप्रोप्रिएट मैनर पर हो पाएँ। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यानी जिस तरह से हमने पहले अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करके बैक प्रोपेगेट किया, अब हम इसी तरह से जनरेटर को करेंगे। तो हमने दोबारा इनपुट या रैंडम नॉइस इमेज दी, इमेज देने के बाद जनरेट किया, सैम्पल इमेजेस यहाँ पर आ गई। सैम्पल इमेजेस होने के बाद, क्योंकि हम स्टेप टू के टू पे मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी सैम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा हम सैम्पल देकर ट्रेन कर चुके हैं। ये 3 इमेजेस यहाँ पर गई, इनकी प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी आने के बाद बैक प्रोपेगेट करने की वजह से अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है वो लिटिल बिट चेंज आई है। तो इसी तरह से ये ट्रेनिंग ऑनवर्ड चलती रहेगी और हमारी प्रोबेबिलिटी मज़ीद इन्हेंस होती रहेगी। तो स्टेप वन, स्टेप टू कर लिया, इसी तरह स्टेप थ्री करेंगे, एंड हेयर इट इज़। इन स्टेप थ्री आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इमेजेस आई हैं जनरेटर के ज़रिए से, वो नियर टू डॉग ज़रूर आई हैं, सॉरी बट नॉट एक्चुअली अ डॉग। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी इमेजेस पर आइज़ डॉग्स की वाजे हो चुकी हैं, लेकिन इट्स नॉट टू आइज़ ओनली अकॉर्डिंग टू द एनिमल आइज़। तो रैंडम नॉइस की वजह से यहाँ पर इमेजेस हमारी ज़्यादा बेहतर तो हो गई हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो सकें जिस लेवल पर हमें करना है। लिहाजा वही स्टेप्स को हमने यहाँ पर भी लिया। स्टेप थ्री में रैंडम नॉइस के ज़रिए से इमेजेस क्रिएट करने के बाद हमने सैम्पल इमेजेस ली, ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद क्यूमुलेटिव सम हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी आई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया हमने, और उसके बाद हमने बैक प्रोपेगेट किया, बैक प्रोपेगेट करने के बाद ट्रेन किया,
ट्रेन करने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी मज़ीद इन्हेंस होगी। और इसी तरह से अब हम दोबारा से बैक प्रोपेगेट करेंगे अपने जनरेटर को, और जनरेटर अपडेट होने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी मज़ीद इन्हेंस होना शुरू हो जाएगी। तो इन तीन स्टेप्स के अंदर मैंने गैन के उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की जो मल्टीपल आइट्रेशन होने के बाद हमारी रियल इमेजेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो तीन स्टेप्स के अंदर हमने एक एक स्टेप्स को समझने की कोशिश की कि जब फर्स्ट एपक पे होगे तो हमारे पास पैटर्न इमेजेस कैसी होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से 100 या 1000 एपक्स होने के बाद हमारे पास ये जो इनपुट स्ट्रीम्स के बनने वाली इमेजेस होंगी वो बिल्कुल रियल के करीब होती जाएंगी। और इस तरह से जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो एक साथ पैरेलल फॉर्म पर हो रही है, तो ये रियल के करीब होती जाएगी। और इस तरह से हम एट लास्ट वो इमेजेस क्रिएट करने पर कामयाब हो जाएंगे डॉग्स की जो एज लाइक रियल है लेकिन वो इस वर्ल्ड में पहले एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रेनिंग थी। होपफुली कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि गैन की ट्रेनिंग किस तरह से है। इसमें मैंने कोई भी मैथ इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि थर्ड सेशन के अंदर हम इसके बिहाइंड मैथ्स को भी जानेंगे कि जनरेटर का लॉस फंक्शन और डिस्क्रिमिनेटर का लॉस फंक्शन क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, मैथ्स क्या इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी कि जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर किस तरह से इमेजेस को रीड करता है, क्रिएट करता है, और किस तरह से आइडेंटिफाई करके इंट्रम ऑफ द आउटपुट हमें दे रहा होता है। एट लास्ट बात करें तो कॉन्वोलेशनल एंड डी कॉन्वोलेशनल के दरमियान फ़र्क, जैसे हम कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क में जाते हैं जानते हैं कि हमारे पास इमेजेस होती है, हम उसको बाइनरी फॉर्म पे लेकर आते हैं, ग्रे स्केल पर लाते हैं, या अगर आरजीबी में भी है तो 3 चैनल होते हैं हमारे पास, फिर हम उसमें कॉन्वोलेशनल लेयर अप्लाई करके पुलिंग करते हैं और उसके बाद हम फ्लैटनिंग करके उसको एक वैक्टर फॉर्म पर ले आते हैं। तो ये कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क है। इसी इमेज को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, यानी फ्लैटनिंग से पुलिंग, पुलिंग से कॉन्वोलेशनल और कॉन्वोलेशनल से इनपुट पे आ जाऊँ, तो ये पैटर्न हमारा कहलाएगा डी कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क, जो डिस्क्रिमिनेटर यहाँ पर गैन के अंदर कर रहा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क और डी कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क में, जो कि हमने यहाँ पर जान लिया। तो होपफुली आपको ट्रेनिंग समझ में आ गई होगी गैन की, कि गैन क्या है, किस तरह से फेक इमेजेस को क्रिएट करने के बाद आइडेंटिफाई करता है, कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क जनरेटर है, और डी कॉन्वोलेशनल न्यूरल नेटवर्क हमारा डिस्क्रिमिनेटर यानी डिटेक्टर है, जो डिटेक्ट करके हमारी इमेजेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर्वक जानकारी मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे गैन की एप्लीकेशन की, और इसके बिहाइंड जो मैथ मॉल इन्वॉल्व है उनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।